नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई के टूल्स में, और पावर बीआई में हम बात करेंगे कन्वेस्ट के बारे में, जो आपका ब्लैंक शीट होता है। इस ब्लैंक शीट कन्वेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो पहले से चार्ट थी, उस चार्ट को हमने डिलीट कर दिया है। मेरे पास नया एक कन्वेस्ट एरिया है, या हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग सीट कहते हैं। ये ब्लैंक सीट है हमारे पास, तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिनेम। यहाँ जो पेज वन पेज टू आ रहा है, इस पे आप डबल क्लिक करके, जैसे एक्सेल में आप शीट का नाम चेंज करते हो, ऐसे आप यहाँ पे अपना नाम चेंज कर सकते हो। जो भी नाम देना चाहे आप अपना नाम दे सकते हो यहीं पे। तो यहाँ से आप इसकी नाम को आसानी से चेंज कर सकते हो। जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद इस पेज सीट से रिलेटेड हमारे पास दो चीजें हैं। यहाँ देखिए, पहला फील्ड और दूसरा हमारे पास है फॉर्मेट। सबसे पहले हम फॉर्मेट पे बात करते हैं कि फॉर्मेट में हमारे पास तीन चीजें हैं, पेज इंफॉर्मेशन, पेज साइज एंड बैकग्राउंड। अब हम पेज इंफॉर्मेशन पे आते हैं। अब देखिए, जो पेज का नेम आपने यहाँ से चेंज किया है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं रिपोर्ट को डैशबोर्ड कर देता हूँ, तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो। अब इसमें जैसे कि कोई अल्टरनेटिव नेम है या कोई सेपरेट कॉमन नेम है, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये हम नहीं इस पे डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पेज की साइज। देखिए, बाय डिफॉल्ट पेज की साइज होती है 16x9 की साइज होती है, तो यहाँ से हम पेज की साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब बात आती है कि पेज की साइज हम क्यों कम या ज्यादा करेंगे। तो क्या होता है कि देखिए, जब हमारा रिपोर्ट पब्लिश होता है तो ये पीडीएफ में होता है या फिर किसी वेबसाइट पे होता है, तो वेबसाइट के पेज के अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्ट का पेज होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका 16x9 है, 4x3 है, कॉन्टेक्ट है, लेटर है, टूल टिप है, और यहाँ पे आपके पास कस्टम है। तो मैं कस्टम में चला गया, और कस्टम में आपके पास यहाँ से पिक्सल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अपना जो भी पिक्सल्स है वो पिक्सल्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ताकि आपका जो कैनवेस, जो भी डैशबोर्ड है इस पे बनेगा या रिपोर्ट्स बनेगी इस कैनवेस पे, वो आपके वेबसाइट के पेज की अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। ऐसी चीज आप यहाँ से कर सकते हो पेज की साइज पे। अब पेज की साइज के बाद आता है पेज का बैकग्राउंड। डिफॉल्ट आपका व्हाइट कलर दिख रहा है, आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर कलर में डालना, तो यहाँ से आप अपना कलर चूज कर सकते हो। जैसा कलर आपको चाहिए वो कलर यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने मान लीजिए कि ब्लू कलर ले लिया, या ब्लू लाइट ब्लू ले लिया, तो यहाँ से हम कलर आ गए। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और लाइट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा घटा दिया। देख रहे हैं लाइट हो रहा है, इस तरह से हम लाइट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब वो पीछे की कितना एरिया दिखेगी, तो आप इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। लेकिन समटाइम क्या होता है कि हम लोग इसके पीछे कोई इमेजेस डालते हैं। जैसे कि मैंने अपना ए इमेज लिया और डाल दिया, तो ये इमेज हम डालते हैं, और यहाँ पे कलर में हम मान लीजिए ए सॉरी हमने यहाँ पे डाला, और इसकी भी ट्रांसपेरेंसी अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हो। और पीछे के एरिया में व्हाइट कर देता हूँ, तो मैच कर जाएगा, ऐसा पूरा पिक्चर है। उसके बाद अब इसमें इमेज का फिटिंग यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो फिटिंग में एक तो आपका नॉर्मल फिट है, फिट करेंगे तो पूरा फिट हो जाएगा, फिल करेंगे तो, और उसके हिसाब से अपने आपको फिल कर लेगा, और नॉर्मल करेंगे तो एक्चुअल पेज की साइज होगा। अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं अगर इसकी कलर को फिर वापस चेंज करूँ, तो आपको पता चलेगा कि मेरा पिक्चर इतने ही एरिया में है। अगर मैंने इसको फिट किया तो पूरे पेज पे देखिए फिट हो गया। अगर मैं इसको फिल करूंगा तो उस हिसाब से फिल हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमारे पास अगर नॉर्मल कर देता हूं तो ओरिजिनल साइज पे चला आएगा। अब मुझे पिक्चर रिमूव करना है, तो मैं यहां से क्रॉस लगा इस पे रिमूव कर सकता हूं।
और मुझे वापस डिफॉल्ट सेटिंग चाहिए, तो मैं यहाँ से वाइट भी कर सकता हूँ या फिर री स्टोर एज ए डिफॉल्ट पे क्लिक करूंगा, जो डिफॉल्ट सीट होती है वो डिफॉल्ट सीट पे हमारा आ जाएगा। तो हमने बात की पेज इंफॉर्मेशन के बारे में, हमने बात की पेज की साइज के बारे में, और हमने बात की अपने पेज की बैकग्राउंड के बारे में। उसके बाद ये हमारा पिक्चर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका आता है वैल्यू। अब हालांकि मैंने अभी कोई वैल्यू इसमें डाल नहीं रखी हुई है, इस कारण से कोई यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सेटिंग नहीं आता, लेकिन मैं कोई डालता हूँ। जैसे मैंने डाल दी सेल्स पर्सन्स वाइज, सेल पर्सन्स, और हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी लेके हमने वैल्यू में डाल दिया। तो ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मुझे, मैं हटा गलती से कर दी सेल्स पर्सन, ये रिपोर्ट आ गए। अब इस रिपोर्ट पे आने पे देखिए क्या हुआ कि फील्ड बढ़ गए, और साथ में आपके यहाँ पे एनालिटिक का एक पार्ट भी यहाँ पे आ गया, कि एनालिटिक का भी एक नया आ गया, लेकिन एनालिटिक से रिलेटेड कोई इसमें है नहीं, इसका नहीं दिखा, लेकिन एनालिटिक का भी पार्ट आ गया। तो कहने मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, आप इंडिविजुअली हर ऑब्जेक्ट, हर एक चार्ट, हर एक ग्राफ की खुद से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस कैनवेस की सेटिंग पे ट्राई कीजिए। कोई डाउट होगा तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एडवांस एक्सेल वीवीएमआई के साथ कंप्लीट रिपोर्ट ऑटोमेशन का हमारा क्लास है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। Thanks for watching this video. Have a nice day.